The issue of land jihad has intensified in Ambala, following similar concerns in Himachal Pradesh. Hindu organizations in Ambala have rallied together to protest against the delay in action by the municipal authorities regarding an unauthorized religious structure. The organizations handed over a lock and key to the Municipal Joint Commissioner, accusing the administration of failing to act despite court orders to demolish the structure. The court had previously confirmed the illegality of construction based on evidence presented by the Hindu groups. The Joint Commissioner, Puneet, stated that the area falls under the Haryana Shahari Vikas Pradhikaran and both departments are preparing to take action. उस नीर को खाली करवा सकते हैं। उसमें तीन विभागों की जमीन जो जानकारी मिली थी वो पड़ती है, उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग की, नगर निगम की और हुड्डा की। अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने तो अपनी दीवार तोड़ के अपनी कार्रवाई कर दी, परंतु नगर निगम और हुड्डा आए हैं तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस गैर कानूनी ढांचे को घेरे। देखिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम लोगों ने नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को पंचायत भवन के सामने जो अवैध कब्जा करके पीर बनाया हुआ है उसको हटाने के लिए 15 दिन का उपयुक्त समय दिया था, परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भी आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय अदालत के आदेशों के बावजूद भी ये लोग अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करने से भाग रहे हैं और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि ये जो अवैध ढांचा करके बनाया हुआ है इस अवैध ढांचे को उठाया जाए, और उसी के तहत आज हम लोग नगर निगम कमिश्नर को उनके दायित्वों के निर्वहन ना करने के लिए, उनके ऑफिस अरेस्ट करने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ आए हैं। और हमें अब इस प्रशासन से लगभग लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग कुछ काम करेंगे, हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन सब अधिकारियों को अदालत की अवमानना का नोटिस पहले से दे चुके हैं, क्योंकि हमें पता था कि ये निकम्मे और नकारा अधिकारी हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ बात करने आए हैं, ताला लगाने आए हैं, देखते हैं क्या होता है, इसके बाद ये संघर्ष आगे जारी रहेगा। अगर कोई भी देखिए, मैंने बताया कि हम लोग इनको अदालत की अवमानना का नोटिस पहले से दे चुके हैं, हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं, हम अपने लोकतांत्रिक तरीकों का प्रयोग करते हुए धरना प्रदर्शन भी करेंगे और साथ साथ न्यायालय से भी अपनी कार्रवाई को आगे चला के रखेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज हम 22 तारीख को पहले कमिश्नर साहब को देकर गए थे ज्ञापन, और 15 दिन का टाइम था, लेकिन बीच में हमारी एक शोभा यात्रा होती है शौर्य दिवस की, उसमें हम बिजी थे कार्यक्रम में। अभी दो तीन पहले भी हमने बोला था कि 10 तारीख लास्ट टाइम देखे गए, अब 10 तारीख आज होगी, 9 तारीख तक का कमिश्नर साहब का टाइम था और आज कमिश्नर साहब को अरेस्ट करने के लिए ऑफिसर अरेस्ट करेंगे। तो सभी साथी आए हुए हैं, बजरंग दल के युवा साथी हैं, हमारी पंच मेमरी जो कमेटी वो आई हुई है, और जो भी आप बाकी सनातनी हमारे जो भी साथी हैं वो सभी आए हुए। प्रशासन नहीं कुछ करता है तो क्या आप लोग? देखो, ये अवैध कब्जा है, इसमें प्रशासन ने कार्य करना पड़ेगा। जो समय लग रहा है ये गलत है, जो मलिन का रवैया है ये गलत है, बाकी हमारे को वो कोई नाराजगी नहीं है। मेन नाराजगी है कि इसमें समय क्यों लग रहा है, जब उनके पास में कोई कागज नहीं है, हमारे पास में सारी चीजें हैं, तो उसको कार्य को पूरा करो। पीडब्ल्यूडी ने अपना कार्य कर दिया, बाकी आपका रह गया, आप भी पूरा करो उसको, यही है हमारा और कोई वो नहीं है। नहीं, एक्चुअली कार्रवाई तो हम कभी ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बात ये पीर बाबा जो हैं उनके एंक्रोचमेंट का मामला है, जो वो जमीन है अभी हमारे एक्शन साहब ने बताया है, वो उसके जो ओनरशिप है वो HSVP के अंडर है, जो मेंटेनेंस है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। अब उसके लिए हमने ईओ HSVP को लेटर लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू योर सेक्शन आप इस पर कार्रवाई कर दीजिए, यू बीइंग द ओनर ऑफ दिस लैंड
तो हम उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई हो जाएगी।